उससे पहनती नहीं, एक्चुअली बच्चे से नफरत करता है। उससे पहनती नहीं, एक्चुअली बच्चे से नफरत करता है। विकी पापा के पास जाओगे? विकी पापा के पास जाओगे? नो। क्यों विकी पापा के पास क्यों नहीं जाओगे? क्या करते हैं विकी पापा? पूरा ढूंढा है इसको क्लास में? क्लास में ये पति भी देख रहा है, ये पति भी देख रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। पहले मामा आ रहा बेटा उरु में है, फिर उरु में घुस रहा है। मामा क्या, फिर जा, फिर उरु में बेटा, फिर उरु में घुस रहा है। छोड़ता नहीं, एक मिनट छोड़ता, एक सेकंड नहीं छोड़ता। एक मिनट का तो बहुत दूर बात है, एक सेकंड नहीं छोड़ता हुआ। देखिए ना, एकदम पकड़ा रहता हमको। नमस्कार, आज आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट बातों पर चर्चा करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस कदर मीडिया ने एक तरफा बयान चला करके और किशोर कुमार रजक के फैब्रिकेटेड वीडियो को, एडिटेड वीडियो को चला करके मुझे बदनाम किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल हुआ क्या है कि कुछ मीडिया कर्मियों ने अपनी TRP बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ प्राप्त करने के लिए एक तरफा वीडियो चला दिया, जिसमें कि ये बताया गया कि एक DSP को उसकी वाइफ प्रताड़ित कर रही है। क्या ये पॉसिबल है? अगर आप देखें तो 2018 में मैंने अपने पति पर एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें मुकदमे में सारे मेरे द्वारा लगाए गए आरोप सत्य पाए गए थे। उसकी वीडियो क्लिप लगा रही हूँ, देखिएगा उसे। रजक पर पत्नी उत्पीड़न के आरोप में जांच, जी हाँ, इस आरोप के जांच में ये आरोप सही पाए गए हैं। रामगढ़ में उसने अपनी जांच में आरोपों को सही पाया है और रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी है। इसके बाद प्रशिक्षु DSP पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है कि इसी साल 8 जून को किशोर रजक की पत्नी की उस पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, मारपीट, अप्रताड़ित की अनाचार, भ्रूण हत्या का आरोप लगाते हुए रामगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच में को सही पाया है, इन आरोपों को सही पाया है। आप ये बताइए कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किशोर कुमार रजक को अपराधी करार दिया गया था, उनके खिलाफ चार्जशीट प्रस्तुत की गई थी, वो गलत पाए गए थे। उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे वो सारे आरोप सत्य पाए गए थे। तो इस ये बताइए कि आरोप कैसे सत्य पाए गए? उन्होंने मेरा फर्स्ट बेबी अबॉर्ट कराया, साथ में जो अप्राकृतिक यौनाचार से संबंधित जो भी उन्होंने मेरे साथ मतलब कुकृत्य किया, उन कुकृत्यों को मेडिकली प्रूफ माना गया। किसी ने ये क्यों नहीं देखा कि एक महिला जिसके माता और पिता नहीं है, उसके बाद भी किशोर कुमार रजक ने किस स्तर तक जाकर के, हैवानियत के स्तर तक जाकर के अपनी पत्नी को बदनाम किया होगा, प्रताड़ित किया होगा। किशोर कुमार रजक के घर वाले, स्पेशली उनके पिताजी ने मुझसे 3 करोड़ रुपए के दहेज की डिमांड की और उनके भाई चितरंजन रजक ने मुझसे 50 लाख रुपया दहेज का डिमांड किया। और उन्होंने ये कहा कि बोकारो के किसी मजिस्ट्रेट की बेटी से वो किशोर कुमार रजक का रिश्ता कर देंगे अगर मैं दहेज की वो रकम नहीं देती हूँ तो। और इस तरह मेरे साथ लगातार 5 सालों तक हैवानियत
जारी रही। तुम चोरी क्यों? माँ कसम तू नहीं किया। तू निकल रहे हो? मैंने नहीं। देखो हंगामा कर रहे हो, निकल रहे हो अकेले मेरे से। निकले यहाँ, देखो हम बार फिर कर रहे हैं यहाँ भागो, अनर्थ हो जाएगा। हम कह रहे तुम यहाँ, हम कह रहे तुम यहाँ पे आओ। तुमने कैमरा चर्चा किया सब कुछ की, तुम यहाँ पर नहीं किया, तुम यहाँ पर हाँ उसका प्रूफ है हमारे पास, तुम यहाँ पर तुम यहाँ पर जाति करोगे? जाति करोगे? क्यों जाति करोगे? नहीं कर, क्यों कर रहे हो जाति? बोले बताओ, नहीं कर रहे तुम वहाँ? चलो नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? हल्ला मत करो यहाँ पे, पूरा तुम वहाँ जाओ, हल्ला कर आराम से। देख लो मंजू ना, चल जाओ। देख लो मंजू, इतना घबराहट हो रहा है, मत खा खाना। चोरी कर रहा कि मैंने चोरी किया है? बिल्कुल मैं चोर हूँ। चोर एक नंबर चोर तुम। मैं चोर हूँ एक नंबर चोर। और अगर मेरे बैग से अगर उसने अगर मेरे बैग से अगर अगर मेरे बैग से नहीं निकला तो मैं आप लोगों पे मानहानि का केस करूंगी। अगर 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 नहीं निकला मेरे बैग से एक भी सामान, एक भी उसका महादेव का जीन्स और या टी शर्ट, तो मैं मानहानि ठोकूंगी आप लोगों के ऊपर। और जब तक मैं चुप रही तब तक तो ठीक था, लेकिन किशोर कुमार रजक की सच्चाई जब मैंने लोगों के सामने बताना शुरू की तो लोगों को गलत लगने लगा, चुभने लगा। क्यों? जब तक महिला चुप रहती है तब तक वो संस्कारी, और जैसे ही वो अपने अधिकार और हक के लिए लड़ाई लड़ने लगती है वैसे ही वो असंस्कारी और चरित्रहीन हो जाती है। दरअसल ये लड़ाई मेरी नहीं थी, मेरे बच्चे के लिए थी, क्योंकि किशोर कुमार रजक जो हैं वो मीडिया के द्वारा एक तरफा मुझे धमकी देते थे कि तुम्हें मैं सोशल मीडिया साइट पर बदनाम कर दूंगा। उसकी भी एक क्लिप लगा रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ऐसा है, हम बता देते हैं पूरा मामला। किशोर कुमार रजक जो डीएसपी है वो भी बोकारो के है, मैं भी बोकारो का हूँ, उनसे मुलाकात है मेरी, पुरानी बातचीत है मेरी, जो वो प्रशिक्षु डीएसपी थे, जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी तब से उनको जानता हूँ। वीडियो को शेयर कीजिए और लोकतंत्र में कल शाम एक वीडियो, हम कल शाम अगर नहीं तो परसों तक में एक वीडियो जरूर जाएगा इस मैडम के लिए। लोकतंत्र जो हमारा चैनल है, बता देते हैं, माफी मांग लीजिए आप मैडम। शुरू से ही मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम किया गया। दरअसल किशोर कुमार रजक की महत्वाकांक्षा है झारखंड का सीएम बनने की, और वो यहाँ पर एमपी एमएलएस और मिनिस्टर्स बस इसी की बातें करते हैं। वो दरअसल नौकरी में इसीलिए आए थे ताकि वो करोड़ों रुपए की उगाही कर सके और उसके बाद चंदन क्यारी की विधानसभा सीट खरीद सके। ये देखिए किशोर कुमार रजक की कमाई, आप लोगों को लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? ये देखिए उनके बैग से निकला है, जबकि आज की कमाई 1,00,000 रुपए आज ही लिए हैं वो किसी से घूस में। देखिए देख लिए आप लोग, बाद हमसे कहते हैं कि हमारे पास 1 रुपया नहीं है और हम 1 रुपया घूस नहीं लेते हैं, बस तो झूठ बोलती हैं। ये देखिए ये मिस्टर किशोर कुमार रजक की पर डे की कमाई है। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था, उनकी पर डे की प्रत्येक दिन की इनकम है ये। देखिए आप देख रहे हैं कितनी मोटी गड्डी है, ठीक है। ये किशोर कुमार रजक का घर है, आप देखिए ये आवास है, ये उनका रूम है, ये नीचे, ये देखिए उनकी फोटो लगी हुई है,
आप देख सकते हैं ये मैं हूँ। एक दो तीन चार। और उसके बाद उनका सपना था मुख्यमंत्री झारखंड का बनने का। जिस सपने को पूरा करने के लिए किशोर कुमार रजक ने अपनी छवि को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी पत्नी को बदनाम करना और बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। उन और इस दुर्व्यवहार को छुपाने के लिए और अपनी छवि को अच्छा बरकरार रखने के लिए उन्होंने कुछ मीडिया कर्मियों का सहारा लिया और कुछ पेजेस का सहारा लिया जो पेज वाले किशोर कुमार रजक से अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं। और इसमें कई ऐसे मीडिया कर्मी हैं जो कि उनके ही गांव बोकारो के हैं और उनसे उनके बहुत करीबी संबंध हैं। और उन लोगों ने पैसा लेकर के किशोर कुमार रजक उन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं और अच्छा खासा पैसा लेते हैं और देते हैं और देने के बाद वो मुझे इस तरीके से बदनाम करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें अगर किसी को बदनाम करना हो तो वो पैसा देकर किसी को भी सरेआम बदनाम कर देते हैं और धमकियां दिलवाते हैं। ये बात बताइए कि क्या क्या इस कदर से अगर कोई पुलिस अधिकारी ये कह देता है कि उसकी पत्नी उसके साथ मारपीट कर रही है तो आप लोग क्या उस पर विश्वास कर लेंगे? वो खुद कहते हैं कि उनके घर में इतने सारे सुरक्षाकर्मी हैं। जब इतने सुरक्षाकर्मी हैं और चार बॉडीगार्ड लेकर किशोर कुमार रजक घूमते हैं, पूरे जिले का कम से कम 12 थाना उनके अंडर में है। मेरे अनुमति के बिना आ नहीं सकता है और कौन आएगा जाएगा, मेरे कम से कम 25 स्टाफ पूरे इस बंगला में, मतलब बंगला के बाहर जाओ आसम हारा था। 12 थाना उनके अंडर में है, वो एक पुलिसकर्मी है, डीएसपी की इतनी हार्ड ट्रेनिंग उन्होंने की है, उनको कोई एक महिला मार कर निकल जाएगी क्या? इतना आसान है? फैब्रिकेटेड वीडियो बनाया गया, कट कॉपी पेस्ट करके पॉज करके वीडियो बनाया गया और मुझे बदनाम किया गया। उसके पीछे बस इतना ही कारण था ताकि किशोर कुमार रजक को झारखंड में ही नहीं पूरे देश में एक पब्लिसिटी मिल सके और उनकी छवि को अच्छा बनाया जा सके। सिर्फ अपनी पब्लिसिटी कराने के लिए, झारखंड के सीएम बनने का सपना पूरा करने के लिए किशोर कुमार रजक ने इतना बड़ा षड्यंत्र खेला। किशोर कुमार रजक कहते हैं कि बच्चा जो है वो माँ से नफरत करता है। एक वीडियो क्लिप डाल रही हूँ, उसे देखिए। बच्चा उसको देखते ही भाग जाता है उसके बाद, उसके पास वो नहीं रहता है, मेरे पास ही रहता है। क्या इस बात में सत्यता है? 2.5 साल का एक बच्चा अपनी माँ से नफरत करेगा क्या? ऐसा संभव है? लेकिन उसके बाद भी मीडिया ने टीआरपी बढ़ाने के लिए मुझे बेइंतहा तरीके से रौन डाला मेरे चरित्र को। किशोर कुमार रजक हम पर आरोप लगाते हैं कि किशोर कुमार रजक को से मैं पैसे मांगती हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप खुद सोचिए कि करोड़ों रुपए की डिमांड करेगी कोई पत्नी इस तरीके से? और जो जनवरी 2022 में किशोर कुमार रजक ने मुझसे माफीनामा मांगा और मीडिया वालों और लोगों को उन्होंने वीडियो बनाकर ये दिखाया कि मुझे तो बेल जो है वो जज ने दिया था, कोर्ट ने दिया था, तो कोर्ट ने आपको बेल किस आधार पर दिया था? आपकी पत्नी से आपने माफी मांगा था,
उस आधार पर आपको बेल दिया गया था। बेल की कॉपी भी डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि किशोर कुमार रजक को बेल कैसे मिला था। बेल सिर्फ और सिर्फ मैंने उनको माफ किया, जज साहब के सामने मैंने कहा कि इनको जेल ना जाने दिया जाए, ये मेरे बच्चे के बाप हैं, ये मुझसे माफी मांग रहे हैं और मैं इनको माफ कर रही हूं क्योंकि मैं अपने पति को जेल नहीं भेजना चाहती, वो मेरे बच्चे का यानी विकी का बाप है। सिर्फ इसलिए मैंने किशोर कुमार रजक को माफी दी, नहीं तो वो किसी भी कंडीशन में उनको बेल नहीं होती और वो जाते जेल। और उन्होंने इमोशनल ड्रामा करके और बच्चे के नाम पर भीख मांगकर मुझसे बेल प्राप्त किया। बेल लेने के बाद भी किशोर कुमार रजक कहते हैं कि वो बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं, तो आप लोग खुद मुझे बताइए कि किशोर कुमार रजक बच्चे के एडमिशन तक का फीस लूट कर ले जाते हैं। किशोर कुमार रजक के रग रग में, उनके कतरे कतरे में, उनके खून खून के कतरे में सिर्फ और सिर्फ झूठ, मक्कारी, बेवफाई, दगाबाजी है। और इस दगाबाज आदमी से आप लोग सावधान रहिएगा। और क्या किशोर कुमार रजक अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा सकते थे? क्यों नहीं कराया किशोर कुमार रजक ने एडमिशन? किशोर कुमार रजक रांची के मोराबादी के बड़े बड़े होटलों में जाते हैं और अय्याशियां करते हैं अपनी रखेल और रखेल के भाई के साथ। एक एक शाम का खाने का कीमत आप देखेंगे तो 8,500 रुपए का वो सिर्फ खाना खाते हैं। बिल लगा दे रही हूं, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को हर चीज का सबूत चाहिए होता है, मैं आप लोगों को हर चीज का सबूत देती हूं, उसके बाद भी कुछ मीडिया कर्मियों ने पैसा खाकर सिर्फ और सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश की, ताकि किशोर कुमार रजक की जो महत्वाकांक्षा है, जो उनकी इच्छा है एक राजनेता बनने की, झारखंड के सीएम बनने की, उसका रास्ता वो क्लियर कर सकें और अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरीके से प्रताड़ित करके वो दुनिया में अपना एक नाम और छवि बरकरार रख सकें। तो इसलिए उनके नाम को अच्छा बनाने के लिए और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए और मीडिया ने पैसे लेकर के किशोर कुमार रजक को आगे बढ़ाया, उनका नाम किया और मुझे बदनाम किया। अब आप लोग ये और इसमें कुछ मीडिया कर्मी ऐसे भी थे जो कि अपना सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए किशोर कुमार रजक की न्यूज को एक तरफा रूप से चलाने लगे। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने दे रही हूँ, आप स्वयं मंथन कीजिएगा। हाँ बेटा क्या? अब आप लोग खुद इस मामले में मंथन कीजिएगा कि किशोर कुमार रजक किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। किशोर कुमार रजक कहते हैं कि मैं संविधान की कसम खा के कहता हूं कि मैं एक रुपया करप्शन नहीं करता हूं। झारखंड के रामगढ़ जैसे जिले में पोस्टिंग लेने के लिए लाखों रुपया देना पड़ता है और लाखों रुपया दे करके कोई यहां पब्लिक की सेवा करने नहीं आया है, बल्कि करोड़ों की कमाई करने आया है ताकि चंदन क्यारी की उस सीट को खरीदा जा सके जहां से किशोर कुमार रजक अपने सीएम बनने का सपना देखते हैं। हाँ बेटा, टॉयज चाहिए? टॉयज तो यहाँ है बेटा। वो संडे जाते हैं, अय्याशियां करते हैं रांची और बोकारो के बड़े बड़े होटलों में शाम और रातें गुजारते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैं तो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। जो व्यक्ति अपने बच्चे से प्यार करेगा वो रामगढ़ के CWC में ये लिख के देता है कि मेरे बच्चे को मेरी पत्नी मारना चाहती है और मेरी पत्नी मानसिक रूप से विक्षिप्त है और कृपया करके मेरे बच्चे को चाइल्ड लाइन मतलब अनाथालय में डाला जाए। 2 महीना केस चला और केस चलने के बाद ये निर्णय लिया गया कि किशोर कुमार रजक के द्वारा मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं और बेबुनियाद हैं। उसकी कॉपी भी लगा रही हूँ, उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कोर्ट में किशोर कुमार रजक जुडिशियल सेपरेशन लेने गए और जुडिशियल सेपरेशन के मुकदमे में डिस्ट्रिक्ट जज रामगढ़ के द्वारा ये कहा गया कि उन्होंने इस तरह का पिटीशन सिर्फ अपनी पत्नी को बदनाम करने के लिए और सिर्फ अपनी पत्नी को हरास करने के लिए उन्होंने जुडिशियल सेपरेशन का मुकदमा दायर किया था और उस मुकदमे को उनके खारिज कर दिया गया। आखिर क्यों? फिर उसके बाद किशोर कुमार रजक पर जो मैंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस किया, उस केस में CDPO के द्वारा लगाई गई रिपोर्ट सत्य पाई गई और साथ में दोनों पक्षों को सुना गया, मतलब किशोर कुमार रजक और मुझे दोनों को बुलाया गया। कोर्ट में 3 महीना मुकदमा चला और मुकदमे के बाद वो जजमेंट जो है वो मेरे फेवर में आया, उसकी भी कॉपी लगा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब आप हमको ये बताइए
कि एक पुलिस की ट्रेनिंग किया गया व्यक्ति, एक पुलिस की ट्रेनिंग किया हुआ आदमी किस कदर से इतना कमजोर है कि वो मार खा जा रहा है और उसकी पत्नी उसको मार ले रही है। खुद सोचिएगा इस चीज को। खैर, तब तक के लिए शुक्रिया। विकी परेशान कर रहे हैं, विकी को भी मैं खाना खिलाने जा रही हूँ। नमस्ते।